कितना एडवांस टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज किया है। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं एक्स प्लैनेट। देखो ये सीए कैसा है हमारे घर, देखो और दो ही है बस सामने। ओ भाई, और अभी हमारा आ चुका है कैब से। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पर, और आज की इस वीडियो पे हम एक्सप्लोर करने वाला है, नाइट व्यू एंजॉय करने वाला है बेसिकली भुवनेश्वर का, ठीक है। और आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर हम सबसे फेमस मॉल जो कि है एक्सप्लैनेट वहाँ पर भी जाएंगे और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो यू ऑल गाइज चेयर अप माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्ट इट। रात होते ही भुवनेश्वर का लुक ही कुछ चेंज होता है, मतलब हर जगह आपको लाइटनिंग ही दिखेगा, ठीक है। मतलब ब्रिज के नीचे, ब्रिज के ऊपर, सब जगह आपको लाइटनिंग ही लाइटनिंग दिखेगा। और वो जो सामने आप देख रहे हो ना, वो भी और कुछ देर बाद जल जाएगा। सो दोस्तों ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का टॉयलेट है। यहाँ पर आप ऐसे फिंगरप्रिंट देके अंदर जा सकते हो, कोई भी बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बिल्कुल मतलब फ्री चार्जेबल है। तो यहाँ पर आप जेंट्स पे, और वहाँ उस साइड में है लेडीज टॉयलेट, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो यूज करने का टेक्निक्स वगैरह है वो यहाँ मतलब मेंशन किया है, ठीक है। दोस्तों भुवनेश्वर में रात को घूमने का मजा ही कुछ अलग है भाई। मतलब पीछे देखो तो मतलब चारों तरफ आपको बस लाइट ही लाइट दिखेगा, मतलब अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है। यहाँ पर सामने एक्सप्लैनेट, अभी हम जाएंगे वहीं पर, ठीक है। दोस्तों आज मतलब दिन भर चल चल के मतलब हालत ही खराब हो चुका है भाई, कितना चलेगा। अभी तक हमने कुछ खाया भी नहीं है, अभी जाएंगे कुछ बाहर कुछ खाएंगे, नहीं तो भाई मॉल में खाएंगे तो हमको भाई भिखारी हो जाएंगे। मॉल में बहुत ही ज्यादा ही एक्सपेंसिव खाना मिल रहा है, तो हम प्रीफर करेंगे कि हम कुछ बाहर भी खा लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है, मिलता है या फिर नहीं, आपको दिखाएंगे। तो कैसा लग रहा है? एकदम जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है ना, जा रहे हैं। हाँ, ऐसे चल के जाने का मजा ही कुछ और है भाई, स्पेशली मैं नाइट पर्सन। तो गाइस अभी हम यहाँ पर थोड़ा रुके हैं क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो इसके यहाँ पर थोड़ा कुछ खाना वगैरह खाएंगे और यहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हमारा तीनों का रोल आ चुका है, और अभी हम इसको खाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो इसको खाते हैं और चलते हैं एक्सप्लैनेट। तो दोस्तों फाइनली अभी हमारा खाना पीना कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं एक्सप्लैनेट। दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं एक्सप्लैनेट। ये देखो भाई कितना बड़ा मॉल है, देखो कितना बड़ा मॉल है, देखो भाई बहुत ही बड़ा, ये भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मॉल है। तो दोस्तों अभी हम एंटर कर चुके हैं एक्सप्लैनेट के अंदर, और देखो भाई कितना बड़ा मॉल है ये। एक्चुअली मैं पहली बार आया हूँ इतना बड़े मॉल पे, ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहता है और आपको बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम एंटर करने वाले हैं एक्सप्लैनेट। दोस्तों अभी हम एंटर कर चुके हैं एक्सप्लैनेट के अंदर, और अभी जा रहे हैं सीधा स्टारबक्स के सामने। दोस्तों ये रहा सामने स्टारबक्स, हम सोच रहे हैं कि एक कॉफ़ी उठा लेंगे वहाँ पर, लेकिन क्या करें हम तीनों है ना, तो इसलिए फ्री में जाके बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, नहीं बैठेंगे लेकिन नहीं लेंगे तो भाई ये तो ये उस टाइप का हो जाएगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर भाई देख सकते हो कि कितने सारे रिलायंस डिजिटल, स्टारबक्स, और भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी का, हिलियोस, कैसियो, खादिम, और भी बहुत सारे, मतलब ये बहुत ही बड़ा मॉल है, ठीक है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पर मतलब इन्होंने ट्राई करने के लिए दिया है, तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो वीडियो वगैरह एडिट करने के लिए ना, मैं मोबाइल से करता हूँ बेपे से, मेरे पास एक्चुअली लैपटॉप भी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा मतलब अच्छा लैपटॉप है, उसका राम वगैरह थोड़ा चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर रखा गया है कि आपको यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर टेस्टिंग करके आप ले सकते हो। तो यहाँ पर भाई बहुत ही एक्सपेंसिव सेंट वगैरह मिलता है, यहाँ पर परफ्यूम्स वगैरह मिलता है, ठीक है। पर मतलब चीज़ों का रेट ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते अभी के लिए, तो क्योंकि हमारा बजट भी इतना नहीं कर लेके नहीं आए थे हम, तो देखते हैं अगर हमारे अफोर्डेबल में कुछ होगा तो हम मतलब ज़रूर खरीदेंगे, ठीक है।
तो अभी हम आए हुए हैं आयोनिक पर, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है भाई। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ है, क्योंकि अंदर वीडियोस वगैरह बनाने नहीं दे रहे ना। और ये सामने देखो क्या गजब ही लग रहा है, यहाँ पर फोटो वगैरह खींचोगे तो मस्त लगेगा एकदम। यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत ही कूल लग रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर आ गया एक्सकलेवेटर, तो इससे हम चढ़ेंगे ऊपर, तो आप देखना ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप चलने लग रहा है, तो यहाँ पर उसका ट्रॉफी मतलब एक डेमो यहाँ पर उन्होंने रखा है, जो कि लोग वगैरह आके यहाँ पर फोटो वगैरह खींच रहे हैं ठीक है। तो वहाँ पर हम भी जाएंगे, और अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम लिंक को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं एक्सकलेवेटर में, और यहाँ पर कैफेटेरिया में जा रहे हैं, कुछ खाना वगैरह खाएंगे, मतलब केएफसी लेने का हम सोच रहे हैं। देखते हैं कि वहाँ पर मिलता है या फिर नहीं। केएफसी कहाँ पर है भैया? तो एक केएफसी ले लेते हैं। एक केएफसी लेना है क्या? अपने लाइफ में हम पहली बार केएफसी ट्राई करें, और आपको बताएंगे कि खाना वर्थ इट था या फिर नहीं, मतलब केएफसी वर्थ इट है या फिर नहीं, या फिर जैसा नॉर्मल खाना जैसा मतलब बाहर भी खा सकते हो। पर अभी हमारा आ चुका है केएफसी, तो इसको हम पहली बार ट्राई करेंगे, देखते हैं इसका मतलब ओवरऑल मतलब खाने का जो टेस्ट है वो कैसा है ठीक है। अभी तो मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी टाइप का दिख रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर कैसा टेस्ट आता है और आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने कुछ दिया है, टमाटो सॉस वगैरह कुछ दिया है, तो यहाँ पर आप ऐड ऑन करके उसको खा सकते हो ठीक है। चिकन पीस उठा लिया है, और इसको हम मैंने उसमें डुबा के खाएंगे अभी, और आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है ठीक है। फ्रिज में जाओगे? अच्छा तो लग रहा है भाई, और जो नॉर्मल मिलता है मार्केट में उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिल रहा है, मतलब डिफरेंट टेस्ट इसका ठीक है। तो देखते लेट्स हैव एंजॉय इसको। मतलब केएफसी का टेस्ट जो था मतलब बहुत ही अच्छा था एक्चुअली। मैं सोच रहे थे कैसे होगा, लेकिन ये क्रिस्पी था, स्पाइसी था, और भी मतलब बहुत ही मज़ेदार मतलब टेस्ट था ठीक है। तो अगर आप प्रीफर करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा ज़्यादा थोड़ा रेट होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा है। मतलब इस मॉल के अंदर यह सिनेमा हॉल है, जो कि जिसका नाम है सिनेपोलिस इसका नाम है। और अभी जो पठान गिरा हुआ है ना, पठान अभी हॉल में गिरा हुआ है, वो ये सभी दिखा रही है। दोस्तों अंदर सिनेपोलिस है, और ये उसका सामने का कुछ व्यू ऐसा है सिनेपोलिस का। भाई साहब पकड़ ना पकड़ स्टिक पकड़ ले अबे कहाँ गया भाई, कितना दिल से लेते और तरह ले। हम आए हुए हैं गेम जोन पर, यहाँ पर बहुत सारे गेम वगैरह है जो कि आप खेल सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज वगैरह है। तो यहाँ पर मतलब किड्स का है, बड़े लोग का भी है वहाँ पर सामने, तो वहाँ पर मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो कि आप यहाँ पर खेल सकते हो। यहाँ पर देखो वही हॉर्स राइडिंग कर रहा है, जो वहाँ पर स्क्रीन में देखकर कर रहा है ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो भी है बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर इसका पूरा पार्लर देखो कितना है। बॉलिंग शॉक अवेलेबल एट 20। अच्छा भाई इसको भी अभी देखो ये कैसे मारेगा देखो, और दो ही है बस सामने। ओ भाई गुड बहुत ही अच्छा खेला इन्होंने। दोस्तों यहाँ पर आप खेल सकते हो ऐसे कुछ करके, स्पेस को यहाँ पर स्कैन करके खेल सकते हो। अच्छा स्कैन करके ऐसे खेल सकते हो। अच्छा इसको मतलब कार्ड को स्कैन करोगे और यहाँ पर आप खेल सकते हो ठीक है। ऐसे वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें, ये सब बटन वगैरह दिया है इन्होंने, तीनों बटन है ठीक है। और वह भी ये भी कुछ ऐसे गेम वगैरह है, सब बटन वगैरह है यहाँ पर आप खेल सकते हो। ये गेम मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखो, अभी इसको मारोगे वाह, ऐसा जैसे मतलब बचपन में हम कार्टून वगैरह में देखते थे ना वैसे टाइप का है ये। देखो ये अभी से मतलब कहीं एक हॉल में निकलेगा, अभी यहाँ से निकलेगा। ये बहुत ही मतलब क्रिएटिव गेम भी आप बोल सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों अभी हम जाएंगे, अभी हमारा शॉपिंग वगैरह भी ख़त्म हो चुका है, और यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं पहले। आ जाओ जल्दी आ जाओ ना। तो ये रहा भाई शॉपिंग मॉल, ये पूरा एयरपोर्ट जैसे दिख रहा है पूरा, देखो बहुत ही बड़ा मॉल है। अभी ऐसे मतलब बाहर पता नहीं चला, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉल है। दोस्तों अभी हमारा घूमना फिरना हो गया, और अभी जा रहे हैं हम हॉस्टल, मेरे दोस्त हॉस्टल को जा रहे हैं, और वहाँ से मतलब आज वहाँ पर रुकेंगे ठीक है। बेसिकली हम आज वहाँ पर स्टे करेंगे, और अभी हम बस पर बैठे हैं देखो, मो बस भुवनेश्वर का। और ये देखो साइड में कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, भुवनेश्वर में रात को घूमने का कुछ मज़ा ही कुछ अलग है, जो कि भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बस भी बहुत ही अच्छा है, इतना ज़्यादा भी प्राइस नहीं लेता, बस आप नज़ारा का एंजॉय करो भाई।
की मैच होने लग रहा है यहाँ पर, जो कि आज वर्ल्ड कप है, आज फाइनल है। तो यहाँ पर ये स्टेडियम है और यहाँ पर हॉकी मैच हो रहा है, ठीक है। और ये देखो सामने क्या गजब का व्यू लग रहा है। और मैं रास्ते में ऐसे पेड़ वगैरह में जो इन्होंने डेकोरेशन करके रखा है ना भाई, मतलब नाइट व्यू को जो भुवनेश्वर में जो नाइट व्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पर कुछ मेला लगने चल रहा है, सिसिर सारस मेला 2023। यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगा है, हॉकी का भी एक फ्रेंचाइज यहाँ पर इन्होंने बिठाया के रखा है। और भाई कितना ज़्यादा भीड़ देखो यहाँ पर, कितना ज़्यादा है भीड़। भुवनेश्वर का सबसे जो अच्छा लगा मुझे जो चीज़ वो है क्लीननेस। यहाँ पर देखो भाई कहीं पर भी आपको कुछ भी मतलब ऐसा ये नहीं मिलेगा कि मतलब जैसे कूड़ा वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है ये भुवनेश्वर को, मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ऑटो पे आ गया तो यहाँ पर बैठ जाते हैं और चलते हैं, ठीक है। उतर के भाई चल रहे, फिर भी अभी आपको जाना है भाई 1 किलोमीटर और भी दूर, मतलब आज दिन भर बस चली जा रहे है। भाई तो देखते हैं रूम पे पहुंचे और आपसे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बिरयानी बॉक्स का, बिरयानी स्पेशल चिकन बिरयानी। इसका पैकिंग बहुत ही जबरदस्त है, जैसे आप देख सकते हैं टिश्यू दिया गया है पूरा प्रोफेशनल, वो 3 स्पून और ये शायद सूप है। और बिरयानी जो है पूरा पैकिंग में आया हुआ है, ठीक है। खत्म हो गया, टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा है। वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और चैनल पर है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं जल्दी गाइस इसकी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।